ज्ञानवाणी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने कहा, न्याय के हित में ज्ञानवापी में वैज्ञानिक सर्वेक्षण जरूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिसर के एएसआई सर्वेक्षण को लेकर मस्जिद समिति की चुनौती को खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी दलीलें पेश की। कोर्ट के आदेश पर हाजिर हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक ने सर्वेक्षण में अपनाई जाने वाली तकनीक से कोर्ट को रूबरू करवाया था। एएसआई ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण से ज्ञानवापी की इमारत को खरोंच तक नहीं आएगी। दावे प्रतिदावे के बीच 3 दिन तक चली सुनवाई के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित करते हुए हाई कोर्ट ने सर्वे पर लगी रोक जारी रखने का आदेश दिया था। वाराणसी के जिला जज द्वारा ज्ञानवापी सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले आदेश को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर में सील वजू खाने को छोड़कर अन्य हिस्से के एएसआई से सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे रिपोर्ट 4 अगस्त तक जिला जज की अदालत में पेश की जानी थी। इसका अनुपालन हुआ और एएसआई की टीम ने 24 जुलाई से ही सर्वे शुरू कर दिया था। इस मामले को लेकर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने 24 जुलाई की दोपहर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सर्वे पर 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक रोक लगा दी। साथ ही अंजुमन इंतजामिया कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की सलाह भी दी। इस मामले की 3 दिन चली सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए आदेश सुनाने के लिए 3 अगस्त की तिथि नियत। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर वाराणसी न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है, जिसके बाद से वाराणसी में पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई है। मामले पर ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।